दोस्तों, अक्सर जानवर फालतू के पंगे लेने का शौक फरमाते हैं और यहाँ पर ये बिल्ली मौसी भी कुछ ऐसा ही कर रही है। हनी बेजर नामक ये छोटा सा जानवर जंगल के राजा से भी टकराने की हिम्मत रखता है। कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए, पर शायद ये कहावत इस हिप्पो ने कभी नहीं सुनी। इस पगलाए खरगोश की हरकतें देखकर खुद सांप भी बौचक्का रह गया कि भाई आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अमूमन तो यही देखने को मिलता है कि कुत्ते सुअरों का शिकार करते हैं, मगर यहाँ तो मामला पूरा उल्टा दिखाई दे रहा है। झुंड में भागती इन गायों के पीछे एक कुत्ता भी भाग रहा था, जिसको समझने में थोड़ी देर लगी कि आखिर ये सब भाग क्यों रही है। Thank you.
Get him! Whoa! Dog takes down cheetah. Oh my god! They're getting crazy now. Hey, cheetahs are soft. लक्कड़ बग्गों का ये ग्रुप लंच में एक छोटे से हाथी को खाना चाहता था, मगर माँ बाप के रहते बच्चे पर भला कोई आंख भी कैसे उठाकर देख सकता है। Yeah. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh my god, guys. अपने इलाके के लिए लड़ना बंदरों की फितरत में शामिल है और ऐसी लड़ाइयां खासकर थाईलैंड में बहुत बार देखने को मिलती है। यहाँ दो हैवीवेट चैंपियंस आपस में टकराने वाले हैं और इन्हें किसी रेफरी की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इनका एक ही रूल है, जो पीछे हट गया हार उसी की मानी जाएगी। Yeah, Richard, I've just sent you a message on WhatsApp, but it's not going through. Okay, Roger. Okay, Roger. अब इसे कहते हैं अटैचमेंट। कई बार आपको चीजें हर्ट करती है, मगर फिर भी आप उनके पीछे पड़े रहते हो। यह जवान तेंदुआ भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। तकरीबन एक घंटे तक इस कंटीले जीव को खाने की कोशिश करने के बाद उसे समझ आया कि भाई यह चीज तुम्हारे खाने के लिए बनी नहीं है। हो सकता है इस बिल्ली ने वो कहावत कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले ली है कि अब शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। इतना भरपूर एक्शन तो WWE वाले भी नहीं दिखाते जितना कि यहाँ एक बकरी और बतख के बीच चल रहा है।
ये सभी गाय तो बेचारी उत्सुकता से मुर्गे के पास आ रही थी, मगर मुर्गे साहब तो इसे युद्ध की ललकार समझ बैठे। ये अफ्रीकन डॉग्स बिना किसी वजह के अन्य जानवरों को सताने के लिए मशहूर है, या फिर यूं कहें कि ये स्कूल के वो बच्चे हैं जिन्हें बुली कहा जाता है। यहाँ एक घमासान युद्ध होने ही वाला था कि तभी मकड़ी जी को महात्मा गांधी जी की बातें याद आ गई। लेकिन शायद बिल्लियां गांधी जी के उसूलों पर यकीन नहीं करती, खासकर तब जब किसी की नजर उनके खाने के ऊपर हो। घोड़े प्राकृतिक रूप से काफी उत्सुक जानवर होते हैं, और भले ही किसी चीज को एक्सप्लोर करने में उनको डर लग रहा हो, लेकिन फिर भी वो बार बार एक ही चीज दोहराते रहते हैं। It's funny. Oh, I got that on there too. That's great. You see that? Go. Did you get that? Yeah. यहाँ पर कंगारू एक रणनीति के तहत पानी के बीच में खड़ा है, क्योंकि जैसे ही कुत्ता पानी में आएगा तो वो उसे पानी में डुबोकर मार सकता है। इस सांप ने एक कछुए को भोजन बनाना चाहा, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांप अपने शिकार को जिंदा ही निगल जाते हैं, ठीक इसी कोशिश में यह सांप कछुए के खोल के अंदर जा घुसा, जहां से निकलना
खुद उसी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।